हाँ जी बच्चों, आइए अपना जो नेक्स्ट सम है, सम 8th आपकी बुक का, उस पे आते हैं। बट उस पे आने से पहले दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिन्हें आपको सीखना है, ताकि उसके बाद हम अपना सम इजीली स्मूथली निकाल सकें। सबसे पहला जो कंसेप्ट आपने बच्चों यहाँ सीखना है वो है कि जो आप पैसा कहीं लगाते हो, जिसे आप अपने एक्सपेंस कहते हो, है ना? तो जो पैसा आपने कहीं पे लगाया, रेंट दिया, मशीन ली, बिल्डिंग ली, स्टाफ को पे दी, मशीन में दिक्कत आ गई थी उसको ठीक किया, उसके पैसे लगे, ठीक है, ऐड दी, उसके पैसे लगे, तो जो भी बच्चों आपकी पॉकेट से पैसा जाता है, आप ना उसे दो हिस्सों में बांट सकते हो। मतलब ये कह सकते हो कि ये दो टाइप के होते हैं। प्लस वन में एक अच्छा खासा लेसन आपका आता था इस टॉपिक का, कौन से? एक होते हैं जो रिवेन्यू के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो कैपिटल टाइप के होते हैं, ठीक बात है ना? इसका मैं आपको सिंपल दो बातें इसमें बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये होते कौन से हैं, ये कौन से होते हैं, इन दोनों का मीनिंग बच्चों, ये वो होते हैं जिनका बेनिफिट आपको उसी साल में मिलता है जिस साल आपने इन एक्सपेंसेस को पे किया है, या जिस साल ये एक्सपेंस हुए हैं उसी साल में ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने अपनी एकेडमी का जो बिल्डिंग है उसका 1 साल का रेंट दे दिया, अब बताओ उस बिल्डिंग का फ़ायदा मुझे कब तक मिलेगा? उसी साल में ना। ये वो होते हैं बच्चों जिनके बेनिफिट्स आपको कई सालों तक मिलते हैं, ठीक है, इन मैनी आप कह सकते हो यहाँ पे, यस, इनके बेनिफिट बच्चों आपको कई सालों तक मिलते हैं, ठीक है जी। अब सेकंड बात आप लिखें, ये वो होते हैं जो रूटीन बेस पे होते हैं, ठीक है, रूटीन बेस का मतलब ये नहीं कि डेली होते हैं, मतलब इनका होने का टाइम फिक्स होता है, वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। जैसे अपना बाइक का या किसी चीज़ का बीमा जो होता है वो हम एनुअल बेस पे लेके चलते हैं, लेकिन होता है ना, तो उसको भी आपने इसी पॉइंट में ही डालना है, ठीक है जी। अच्छा, ये कौन से होते हैं जिनका होने का कोई टाइम वो नहीं होता, रूटीन बेस पे जो नहीं होते, ठीक है जी। लास्ट बात, ये वो होते हैं जो रूटीन बेस पे होते हैं जिनका बेनिफिट सेम साल में बच्चों मिलता है, तो आपने ना इनको दिखाना होता है P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है जी, इनको आपने दिखाना होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये आपका पहला कंसेप्ट है जो यहाँ पे आपको सीखना है 8th सम से पहले, डन जी। चलो अगले कंसेप्ट पे आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक का एंड ओपनिंग स्टॉक का आपके प्रॉफिट्स या लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम दोनों बातें लेके चलते हैं, पहले लेके चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट, ठीक है जी। आपने प्लस वन में ना एक अकाउंट बनाया था, आपको याद होगा कौन सा अकाउंट जी? ये वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। मैं इसके दो सैंपल आपको मिला के दिखाता हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सेल्स 2 लाख की, यहाँ पे मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 20,000 का, यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ों को लिखा ओपनिंग स्टॉक 10,000, यहाँ पे बाकी जो आता है जितना सामान आपने इस साल लिया है, मान लो ये आ गया आपका 1 लाख, ठीक, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस अपने होते हैं ये आपके हो गए 50,000 के। अब क्या किया बच्चों, मैंने इसका टोटल लगाया क्रेडिट साइड का, कितना आया 220,
सेम को मैंने उठा के यहाँ लिखा, कितना 220। 220 में से इसका जो टोटल है कितना बनेगा, 160 ना, वो जब जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, जीपी, प्रॉफिट्स आपके पास बचेंगे कितने के, 60,000 के। कितने के बच्चों, 60,000 के। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझसे गलती क्या, ये सही वाला है जो एकदम सही है, लेकिन जब मैंने अकाउंट बनाया तो बच्चों मुझसे ना ये गलती होगी। गलती क्या हुई, मैंने ना क्लोजिंग स्टॉक को, जो अपना ये क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, मैंने इसको गलती से ज़्यादा लिख दिया, कितने से, 2,000 से। गलती क्या हुई, क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या किया बच्चों, गलती से ज़्यादा लिख दिया। ठीक बात है। अच्छा, इसको ज़्यादा लिखने से अब क्या हुआ, सेल्स यहाँ पे 2 लाख है, सेम क्लोजिंग स्टॉक 20 था बट हमने गलती से 22 लिख दिया। कितना ज़्यादा लिखा, 2,000 से हमने इसको ज़्यादा लिख दिया। ये सही वाला था, ये हमने गलती से लिखा है, गलती से ऐसा हो गया। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 10, 1 लाख का ये अमाउंट है जो आपने मान लिया था इस साल में, 50 आपके एक्सपेंस हो गए। अब जब आपने इसका टोटल लगाया तो 222, ठीक है, 222 आपके पास, इसमें से 60 घटाने के बाद जीपी कितने बचेंगे बच्चों, 62 ना। अब ये सही वाला केस है, इसमें गलती हुई थी, गलती क्या हुई वो आपको पता है। तो इस स्टॉक के बढ़ने से जीपी पे, मतलब अपने जो प्रॉफिट्स हैं उस पर क्या इफेक्ट गया, बढ़ गए ना, जो 60 आने चाहिए थे वो बच्चों कितने आ गए, 62 आ गए। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं कि क्लोजिंग स्टॉक में गलती होने से प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम कहेंगे इन केस आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख दिया है तो उससे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ज़्यादा लिखे गए होंगे। गलती से आपने इसको कम लिख दिया होता तो बच्चों आपके प्रॉफिट्स भी कम हो गए होते, ये गलती हुई है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है ना, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट्स आएंगे ही आएंगे बच्चों। ठीक है जी, तो सिंपली इसको याद कैसे रखा जाए, आप लेके चलो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट्स के साथ कैसा रिलेशन आप कह सकते हो, पॉजिटिव। ठीक है जी। अच्छा, बाय चांस आपको क्वेश्चन में लॉस दिया हो तो आप कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक का लॉस के साथ नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेंगे तो लॉस कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो लॉस बढ़ेगा। तो आपको बच्चों ये दोनों ही बातें पता होनी चाहिए, ये दो ही हो सकती हैं, थर्ड कोई एंगल इसके अलावा नहीं बनता। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट्स के साथ पॉजिटिव लेना है एंड लॉस के साथ बच्चों आपको नेगेटिव लेना होता है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, अपने फर्स्ट कौन सा किया था, जो आपके एक्सपेंस थे, रिवेन्यू कैपिटल वाले, दोनों का मैंने आपको बताया था क्या क्या किया जाएगा। सेकंड हमने किया था क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, इसमें गलती हो जाए तो। अच्छा, थर्ड आप लेके चलो यहाँ पे बच्चों ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, अब एग्जांपल के साथ इसको भी लें तो पहला एग्जांपल तो आप यही ले लो, सही वाला जो हमने यहाँ किया था, सेम टू सेम वही उठा लो। ठीक है, जिसमें ओपनिंग आपका 10 है, क्लोजिंग आपका 20 है। अब हमसे गलती क्या हुई, हमने ओपनिंग स्टॉक को गलती से ज़्यादा लिख दिया। एडजस्टमेंट में आपको कहता है ओपनिंग स्टॉक को हमने गलती से ज़्यादा लिख दिया, कितने से, मान लो 2,000 से। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा, बना लेते हैं। ये तो सही वाला केस आ गया, सेम दोनों में एग्जांपल आपन ने लिया, सेम सेल्स कितनी लिखी, 2 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक आपने 20 का 20 ही लिखा, सही। अब हम मान के ये चलेंगे कि गलती अपने से ओपनिंग स्टॉक में हुई है ना कि क्लोजिंग में। ओपनिंग स्टॉक 10 था, हमने यहाँ गलती से 12 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, 1,50,000। जब बच्चों मैंने इसका टोटल लगाया तो ये कितना आया, 220।
सेम उठा के मैंने यहाँ लिखा 220। अब 220 में से कितना लेस हुआ यहाँ पे, ये हुआ 162। तो आपके पास जो जीपी आया वो कितना आया बच्चों, 58,000 आपके पास यहाँ जीपी आ गया। अब सब कुछ सही होता तो जीपी आपके पास 60 आना चाहिए था, ठीक है। बट हमसे गलती हुई है, क्या गलती, कि हमने ना ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने से बच्चों क्या हुआ, जीपी आपके कम आ गए ना, 60 से कितने आ गए 58। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका आप ये कहोगे ओपनिंग स्टॉक का जो है किसके साथ, जो आपके जीपी हैं उनसे कैसा रिलेशन आप कह सकते हो। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये कोई लीगल कंसेप्ट आपका नहीं है, मतलब लॉ में कोई ऐसी लैंग्वेज या कुछ ऐसा नहीं है, ये बस आपको खुद के माइंड में रिटेनिंग के लिए है कि आप इसको भूलो ना, इजी लैंग्वेज थोड़ी सी आप, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट्स के साथ नेगेटिव आप कह सकते हो, इससे आपको ये याद रह जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स आपके कम होंगे, ये कम होगा तो ज़्यादा होंगे, ठीक जी। अच्छा मान लो आपको क्वेश्चन में लॉस दिया होता तो आप इसका उल्टा घुमा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक का लॉस के साथ आप कैसा बोल दोगे, पॉजिटिव बोलोगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेंगे, कम होगा तो लॉस आपके कम होंगे। तो बच्चों ये तीन कंसेप्ट थे जो मुझे आपको समझाने थे सम 8 से पहले, ठीक है जी। आइए आपके सम पे आते हैं, देखिए पहले स्टेटमेंट देख लो, ये आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये लो, ठीक है जी। हाँ जी क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है, ठीक है, 3 साल के बेस में लिखा हुआ है ना, किसका, वेटेड WAP, WAP का डाटा आपके पास ये है, वेट्स आपको पता है, 12 वाले को 1 है, 13 वाले को 2 है, मतलब जैसे जैसे आप, क्या बताया था मैंने इसमें आपको, लेटेस्ट को ज़्यादा वेट्स देने हैं। अब 2012, 13, 14, 15 लेटेस्ट कौन सा है, 15 ना, ठीक है, तो 15 वाले की वेट सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप पास्ट में जाओगे तो उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, जो भी आपके पास प्रॉफिट्स या लॉस हैं, ठीक है ना, तो उसके वेट्स आपके कम होते जाएंगे। आपके पास इन सालों का डाटा गिवन है, ठीक है, जो साल ख़त्म होता है 31/12 को 20,200, 13 वाले के 24,800 हैं, 14 वाले के 20,000 है, 15 वाले के 30,000 यहाँ पे है। ऑन ए सेक्रूटनी, इसका मतलब होता है जांच, लाइक ऑडिट आप कह सकते हो, या आपने बाद में उसको चेक किया, जब आपने इसको चेक किया तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रिवील हुए, निकल के सामने आए, क्या, पहले स्टेटमेंट को समझिए, ऑन ये डेट आपके सामने है फर्स्ट, ठीक है, 12th मंथ है आपका 2013 में, ठीक है जी, एक बड़ा काम हुआ था, ठीक है, एक तो रिपेयर होती है छोटी मोटी जो होती है, एक होता है बड़े वाली, वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का एक बड़ा काम हुआ था, कितने का, 6,000 का। अब बच्चों प्लांट का जो बड़ा काम है वो किस में डालोगे, रिवेन्यू में डालोगे या कैपिटल में, ये आपको बच्चों डालना होता है कैपिटल वाले में, ठीक है ना, छोटा मोटा तो डेली बेस पे चलता है, रिवेन्यू होता है, बट क्योंकि ये कौन सा है, कैपिटल, ठीक है, डेली तो होगा नहीं बड़ा काम, तो इसको आपने डालना है बच्चों कैपिटल में, तो इसको अपनी क्या मानोगे आप इसको मानोगे अपनी एसेट्स। बट इन्होंने क्या किया, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इन्होंने उसको रिवेन्यू में डाल दिया, रिवेन्यू में डालने का मतलब इसको इन्होंने दिखा दिया होगा PL अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है ना, इसको इन्होंने कहाँ दिखा दिया होगा बच्चों, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में इन्होंने दिखा दिया, जाना चाहिए था बैलेंस शीट की एसेट्स में, चला कहाँ गया, PL की डेबिट में। पेड सम इज टू बी एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, इसको कैपिटलाइज कीजिए, मतलब इसको ठीक कीजिए, इसको वापस कहाँ डाल दो, कैपिटल में। अब ये बताओ 6,000 को मैंने एक्सपेंस अपना नहीं मानना था, ठीक बात है, बट मैंने इसको गलती से अपना एक्सपेंस मान लिया, अब क्या किया जाए, भी
एक्सपेंस मानने से प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट गया होगा, गलती वाला जो था क्या गया होगा, एक्सपेंस माना, एक्सपेंस मानने से एक्सपेंस बढ़ गए होंगे, एक्सपेंस बढ़े होंगे तो बच्चों प्रॉफिट्स आपके कम हो गए होंगे, गलती से कम हो गए ना 6,000 से, क्या इलाज है उसको वापस प्लस, ठीक है ना, उसको वापस क्या किया जाएगा बच्चों, प्लस किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, सब में यहाँ निकालते हैं, स्टेटमेंट देख लिया आपने यहाँ पे बच्चों, ये देखिए जो आपके पास डेट्स हैं पहले वो लिख लो, हाँ जी बच्चों क्या क्या डेट्स आपके पास थी यहाँ पे, ओके जो भी आपके पास डाटा है यहाँ लिखिए उसको, ठीक है, डेट्स हैं आपके पास, एक तो ये है 12 वाली, एक आ गया आपके पास 13, ठीक है, एक आ गया 14 आपके पास, एक है 15, इन सालों का डाटा आपके पास है, तो जो भी आपके पास गिवन है वो लिख लो, इसके 20-200 थे, 13 वाले कितने थे 24-800, ये गिवन है बच्चों आपको, ठीक है, 14 वाले के 20, 15 वाले के 30, इसको आपने यहाँ लिखा, बहुत आसान है। अच्छा अब सबसे पहले जो भी हमने स्टेटमेंट को देखा वहाँ हमसे गलती कहाँ हुई थी, उसने आपको डेट कौन सी बताई थी, जो प्लांट का काम हुआ था उसने आपको डेट बताई थी ये वाली 2013। अब ये इस डेट को काम हुआ है तो बताओ ये कौन से साल में काउंट होगी, कौन सा साल जो कब ख़त्म होगा, 31/3/14 को ख़त्म होगा ये साल, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है, इस साल के जो प्रॉफिट्स थे वो हमने गलती से 6,000 से कम लिख दिए क्योंकि हमने इसको गलत एक्सपेंस अपना मान लिया, तो इसको क्या कीजिए वापस बच्चों प्लस, ठीक है जी, यहाँ लिखिए आप ऐड, कौन से एक्सपेंस थे वो कैपिटल थे ना, आप ये लिख सकते हो जिसको आपने गलती से क्या मान लिया बच्चों, रिवेन्यू मान लिया, ये 6,000 यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है, कितना आ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट, यहाँ आ गया 26, यहाँ पे आ गया आपका 30,000, ठीक। अच्छा ये एडजस्टमेंट बच्चों आपकी होगी, अब आपको वापस स्टेटमेंट पे आना है, बुक देखनी है, ये देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू बच्चों एक लो का कंसेप्ट है, सब्जेक्ट टू के बाद जो भी लिखा हो ना उसको आपने मानना ही मानना है, ठीक है, उसको आपने मानना ही मानना है, इसने क्या लिखा है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट की जाएगी किसकी, डेप्रिसिएशन कितना, ये रेट आपके पास है 10, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV मेथड, ठीक है, इसका मतलब अब देखो वही बात है, 6,000 मुझे माननी चाहिए थी एसेट, मैंने उसको एसेट नहीं माना, मैंने उसको दिखा दिया PL में एसेट नहीं माना, तो क्या उस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, लगाना चाहिए था ना, ठीक है, अब आप डेप्रिसिएशन बच्चों लगाओगे तो क्या होगा, लगाते तो क्या होता, प्रॉफिट्स कम हो जाते, नहीं लगाया तो नहीं हुए होंगे, क्या इलाज है, अब घटा दो, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, 6,000 की मशीन थी भाई, 6,000 अपन ने किया तो उसको अपन ने अपनी एसेट माना, रेट कितना है 10, अच्छा कितने मंथ्स का, इस डेट से लेके जब तक आपका साल ख़त्म हुआ है कितने मंथ्स का, ठीक है जी, तो इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आएगा 200, तो मैंने क्या किया बच्चों, ये वाला साल था ना, आपने इसमें से कितना घटाना है 200, यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन लेस, कितने मंथ्स का है वो आप दिखा देना है यहाँ पे। अब बच्चों एक बात है, इस साल में हुआ था आपने इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, अब लगाएंगे तो प्रॉफिट्स आपके कम होंगे, मैंने उसको घटा दिया, क्या इसी साल लगना था, जी नहीं, अगले साल भी तो लगना था, तो इसका मतलब अगले साल भी आपको लगाना पड़ेगा, अब क्योंकि WDV मेथड है
इस साल जिस मशीन की वैल्यू 6,000 थी बच्चों, उसमें से आपने 200 घटा दिए, तो अगले साल मशीन की वैल्यू कितनी बची? 5,800। अब इसका मतलब अगले साल जो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है वो कितने पे लगाना है? 5,800 पे। कितना? 10। अब अगले साल तो एक साल का लगेगा क्योंकि मशीन आपने कंप्लीट स्टार्टिंग से यूज़ की है, तो ये आएगा 580 यहाँ पे आएगा। इसमें से आप बच्चों लेस कीजिए 580, कितना आ गया? यहाँ दोनों में कोई एडजस्टमेंट अब तक नहीं थी, ये आ गया आपका 25,800, ये आएगा आपका ये, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो एडजस्टमेंट है उसको देखिए। अब पहली एडजस्टमेंट को ना एक सिंपली वापस देख लो कि कहीं आपको कोई डाउट ना हो। दो एडजस्टमेंट्स इस पॉइंट में थी, एक तो 6,000 जो मैंने गलती से एक्सपेंस मान लिया था, रिवेन्यू मानने का मतलब मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया तो उसकी वजह से अपने प्रॉफिट्स कम हुए होंगे, मैंने उसको वापस ऐड किया। डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था क्योंकि अपनी एसेट थी, बट मैंने एसेट ही नहीं माना तो क्या मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा? नहीं लगाया होगा। क्या इलाज है? अब लगा दो। लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा? लेस होगा, दो सालों में होगा, इस साल अगले साल, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो हमने बात की, कंसेप्ट सीखा इस डेट का, जो इस डेट को साल ख़त्म होता है, उसको हमने गलती से ज़्यादा लिख दिया। कितने से? 2400 से। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को बच्चों हमने ज़्यादा लिख दिया तो क्या हुआ होगा? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने से अपने प्रॉफिट्स गलती से ज़्यादा हो गए होंगे, उसका क्या इलाज है? माइनस। गलती से ज़्यादा हो गए तो बच्चों इलाज क्या है उसका? उसको घटा दो। कौन सी डेट है? ये भी डेट है। आइए देखते हैं कौन सा साल पड़ता है अपना यहाँ पे, ये वाला। इसमें से क्या कीजिए आप? 2400 घटा दो, ठीक है। गलती से आपने ज़्यादा लिख दिया तो आप उसको घटा दो। यहाँ लिखिए लेस, क्लोजिंग स्टॉक, उसको आपने क्या किया? ज़्यादा लिख दिया ना, वो आप यहाँ पे दिखा दो। अच्छा, कितना आ गया? यहाँ तो सेम अमाउंट है, ये आपके पास आ जाएगा इतना। यहाँ सेम चलने दो, यहाँ सेम चलने दो। अब बच्चों सोचने की बात, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होगा, जायज़ बात है ना। अब वही अगले साल का जो ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा गया तो इसका मतलब डेफिनेटली अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा लिखा गया होगा। अब ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट्स के साथ कैसा नेगेटिव होता है, अभी मैंने आपको बताया। मीन्स ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हुए होंगे तो उससे उस साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए होंगे ना, उसको क्या कीजिए? वापस बढ़ा दो। इससे अगला साल, ध्यान से, इससे अगला साल, यहाँ पे आपने 2400 प्लस किए, ठीक है। अब इसको लिखिए 28,200, यहाँ पे सेम चलने दो, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट अपनी एडजस्टमेंट्स हैं, कहते हैं मैनेजमेंट कोस्ट के एनुअल एक्सपेंसेस हैं कितने? 4,800। ये भी आपको यहाँ पे लेने हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। अब बच्चों एनुअल है तो इसका मतलब क्या है? एक साल में होने हैं, सभी सालों में होने हैं? एनुअल है तो भी सभी सालों में होंगे। आपके एनुअल एग्ज़ाम्स क्या एक ही साल होते हैं या बचपन से लेकर आज तक होते ही आए हैं? हम कहेंगे जी हमेशा ही होते हैं, एक साल में एनुअल एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या किया जाए बच्चों? इसको आपने ना, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, सिंपल एक्सपेंस लेस होंगे, तो यहाँ लिखिए मैनेजमेंट कॉस्ट। आप इसको ना सभी सालों में से घटा दो, क्योंकि एनुअल है, किसी एक साल के तो है नहीं, सभी में ही होने चाहिए ये। तो आपने क्या किया बच्चों? आपने इसको सभी में से ही लेस किया। तो सभी एडजस्टमेंट्स के बाद यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा बच्चों, वो आपका एक फाइनल अमाउंट यहाँ पे होगा बच्चों, ठीक है। कितना आएगा आइए देख लेते हैं। इसका ये आया अमाउंट यहाँ पे, नहीं, ये 17,600 यहाँ पे आएगा। इसका निकाला जाए तो ये यहाँ पे 2420, ठीक है जी। तो ये आपका लास्ट में फाइनल अमाउंट आया है जिसके बेस पे आपने गुडविल बच्चों निकालनी है। अब जो आपने वेट्स देने हैं ना बच्चों, वो इन वालों को वेट्स देने हैं, इन वालों को,
जो आपके एडजस्टमेंट्स के बाद के अमाउंट आए हैं बच्चों, इन वालों को आपने क्या देने हैं, वेट जो सबसे लेटेस्ट है उसको हाईएस्ट वेट। जैसे जैसे आप पास्ट में जाओगे वेट कम होते जाएंगे, आगे आपकी गुडविल यहाँ पे निकल जाएगी बच्चों।